नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम बात करेंगे स्पाइसेस की। दरअसल एनसीडीएक्स पर मसालों में उतार चढ़ाव का खेल जारी है। लगातार दो दिनों तक गिरने वाला जीरे में आज खरीदारी लौट आई है। वहीं धनिया और हल्दी आज दबाव के साथ कर रहे कारोबार। मसालों में इस उतार चढ़ाव के पीछे क्या है कारण, क्या ये फंडामेंटल्स के कारण हो रहा है या फिर बाजार में सटोरिए एक्टिव हो गए हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह, केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया और रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। और सबसे पहले स्पाइसेस की बात करेंगे और जीरे से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जीरे के प्राइसेस में हमने लगातार एक करेक्शन देखी और उसके बाद प्राइसेस अब थोड़ी सी सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। जो ड्रॉप हमने प्राइसेस में देखा था उसके पीछे हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट समेत काफी सारे कारण थे। गुजरात, राजस्थान जैसे रीजन में हायर प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेशन के मद्देनजर प्राइसेस में हमने लगातार गिरावट देखी थी। अग्रेसिव स्विंग हमने देखी गुजरात में, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट सिनेरियो था वो भी स्लगिश ही था, जिसके कारण प्राइसेस कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या फंडामेंटल्स हैं, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले जीरे पर आपसे राय लेना चाहेंगे, ये जो सपोर्ट हम प्राइसेस में बनते हुए देख रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये सिर्फ लगातार गिरने के बाद का सपोर्ट है या कुछ और फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को? नमस्कार मैम, ऐसा नहीं है, बाजार एक्चुअली बहुत नीचे गिर गए थे इसलिए एक दायरे में ही काम कर रहा है अभी भी और आने वाले समय में भी ये दायरे में ही काम करता रहेगा। अभी तक ये 15 तारीख को स्टॉक डिलीवरी एनसीडीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी महीने का है वो खत्म होने जा रहा है, तो उसके हिसाब से अभी भी डिलीवरी अंदर लग रही है और अभी भी जो पोजीशन खड़ी एनसीडीएक्स के अंदर वो 2000 टन की खड़ी है और सामने माल जो डिमिट है वो 500 टन है, यानी कि 1500 टन का अभी ओपनिंग से ऐसे ही खड़ा है। उसके हिसाब से ये बाजार टिके हुए है, वरना कोई तेजी का कोई कारण नहीं अभी भी। और जिस तरह से बाजार के अंदर अभी जो नई की थोड़ी बहुत आवक चालू हो गई है और आने वाले समय में भी थोड़ी अराइवल चालू हो जाएगी, इसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा बाजार टिक पाएगा। आने वाले समय में बाजार डिपेंड करेगा मौसम पे, यदि मौसम कैसा रहता है उसके ऊपर ही बाजार आगे मतलब ट्रेड करेगा। यदि बाजार मौसम यदि अच्छा रहता है तो इसमें मेरे को लगता है इसमें और भी गिरावट आ सकती है, अन्यथा बाजार यहाँ पे एक सस्टेन हो जाएगा और आगे जाके डिमांड भी निकलेगी, खरीदारी भी बहुत कम है। 15 जनवरी के बाद थोड़ी डिमांड निकलेगी, एक्सपोर्ट की भी डिमांड निकलेगी, उसके ऊपर बाजार डिपेंड करेगा कि आगे बाजार कैसा रहेगा। अच्छा, तो एक बार बताइए जीरे की अगर हम बात करें तो फिलहाल 15 जनवरी के बाद आप कह रहे हैं डिमांड थोड़ी सी सपोर्ट आना चाहिए, फिलहाल अगर हम देखें डोमेस्टिक डिमांड या एक्सपोर्ट डिमांड वहां कितनी कमी हमने देखी है अगर महीने दर महीने या फिर पिछले कुछ समय से कंपेयर करें तो, और 15 जनवरी ऑनवर्ड्स कितना सपोर्ट आप डिमांड में आता हुआ देख रहे हैं? हाँ जी, लास्ट ईयर से देखने जाए तो करीबन 25-30% की कमी है इस बार भी एक्सपोर्ट के अंदर, और डोमेस्टिक डिमांड के अंदर भी 15-20% की कमी दिख रही है क्योंकि भाव बहुत ऊंचे चले गए। तो भाव के अंदर क्या कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से कोई भी मतलब व्यापारी होता है चाहे एक्सपोर्टर होता है वो रुक जाता है, बाजार जब तक सस्टेन नहीं होता है। अब क्या हुआ है कि भाव एकदम लेवल में आ गए, इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर खरीदारी लौटेगी और एक्सपोर्ट की मतलब डिमांड भी आएगी क्योंकि आगे रमजान है, मार्च में रमजान आ रही है, तो इसके हिसाब से डिमांड थोड़ी 15 जनवरी के बाद निकल सकती है। और डोमेस्टिक डिमांड की मेन क्या है कि डोमेस्टिक के अंदर भी माल नहीं है, पाइपलाइन हैंड टू माउथ है, तो उसके हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड भी निकलेगी और बाजार एक मतलब दायरे में काम करेगा। नीचे अगर बाजार नीचे ज्यादा जाता है तो वहां सस्टेन हो जाएगा और डिमांड अच्छी निकल सकती है क्योंकि पाइपलाइन पूरी तरह खाली है। लेकिन एक तरफ फसल भी तो नहीं आना शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ डिमांड भी रहेगी, उसके बावजूद आपको लगता है प्राइसेस संभलेंगे इन स्तरों के आसपास? नहीं, इसमें क्या सीजन के अंदर क्या जब मसालों की डिमांड होती है, एक्सपोर्ट की डिमांड रहती है तो एक बाजार वहाँ एक सीमित दायरे में काम करेगा, लेकिन जब मतलब 60% या 50% सब घरों में माल चला जाता है तो उसके बाद बाजार घटना चालू हो जाएगा। क्यों कि क्रॉप यदि 1 करोड़ बोरी प्लस की डिमांड मतलब क्रॉप आती है तो आने वाले समय में 3-4 महीने बाद ये प्राइस गिरते रहेंगे और मेरे को यह लगता है कि करीबन 220-225 तक भी मतलब जीरा बाजार हो सकता है इन भाव से। अच्छा, एक देख रहा है आपके भाव पर चाहिए, फिलहाल तो थोड़ा सा सपोर्ट हमने भाव में आते हुए देखे और जैसे आपने कहा लगातार गिरे थे प्राइसेस इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट हम देख रहे हैं, इन स्तरों के आसपास मान लें कि बॉटम बन गया है जीरे का या और भी नीचे जा सकते हैं भाव? और भी गिर सकते हैं, मेरा 15 जनवरी तक ये बाजार रह सकता है, 15 दिन तक भले उठपटांग और बाजार थोड़ा ऊपर भी कर सकता है, इसमें नो डाउट क्योंकि पोजीशन खड़ी है इसके हिसाब से, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 15 जनवरी के बाद फिर बाजार वापस सस्टेन हो जाएंगे। बाबा थोड़ा जैसे आवक बढ़ेगी बाजार थोड़ा गिरना चालू हो जाएगा और एक बाजार वहां से 10-15 रुपए और या 20 रुपए और घट सकता है। अच्छा,
चलिए, तो भाव यहाँ से और घट सकता है। अच्छा, टर्मरिक की और बातचीत कर लेते हैं। हालांकि पूरे ही स्पाइसेस के पैक में करेक्शन तो हमने टर्मरिक और कोरिएंडर में भी देखी है, लेकिन जीरा सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। अगर हम टर्मरिक की बात करें तो रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से यील्ड लॉसेज हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने उतनी कमजोरी नहीं देखी है जितनी हमने बाकी स्पाइसेस में देखी। कैसे देखने हैं फिलहाल आप टर्मरिक के प्रोडक्शन नंबर्स, कैसे रह सकते हैं, यील्ड कैसी एक्सपेक्टेड है? हाँ जी, देखो टर्मरिक की जब बात करें तो टर्मरिक के अंदर मैं इतना बताना चाहूंगा आपको कि इस बार डिमांड थोड़ी सुस्त बनी हुई है। बाकी भाव तो टर्मरिक के ऊपर जाने, क्योंकि प्रोडक्शन कम से कम 30-35% कम इस बार, ये पक्की है। फसल भी आने वाली 30-35% कम है, तो डिमांड 15 फरवरी के बाद चालू होगी, तो वहां से बाजार वापस एक बार मोमेंटम बनेगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, और वहां से मेरे को लगता है कि बाजार करीबन 15-20 या 25% तक बाजार बढ़ जाएंगे। तो भाव पर भाव आपको इन स्तरों से बढ़ते हुए दिख रहा है टर्मरिक का? जाने के अंदर 2-5% का रिस्क, ज्यादा रिस्क नहीं है। अच्छा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा भाव यहाँ से? ज्यादा रिस्क नहीं है। अच्छा अच्छा, किशोर जी कोरिएंडर पर कमेंट करना चाहेंगे क्या प्राइसेस पर? हाँ बोलिए, बोलता तो बता दूंगा। बताइए कोरिएंडर की भी स्थिति, बताइए कि कोरिएंडर के अब तो भाव ठीक ठाक नीचे आ गया है, यहाँ से कैसा लग रहा है? हाँ जी, भाव तो काफी नीचे आ चुका है कोरिएंडर का भी, अब यहाँ कैसी स्थिति दिख रही है? कोरिएंडर क्या है कि गुजरात के अंदर करीबन 60% सीडिंग हुई है, 40% कम है, जो लास्ट ईयर से कम है, और एमपी और राजस्थान, मतलब एमपी के अंदर भी मतलब 30-40% कम है, राजस्थान के अंदर 5-10% या लास्ट ईयर जितनी है। तो आने वाले समय के अंदर कोरिएंडर का क्या, एक पुराना स्टॉक बहुत पड़ा, 87 लाख पूरी कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन आने वाले समय कोरिएंडर का भी वहाँ यहाँ से 2-5% के रिस्क लेके ले सकते हैं। आने वाले समय में वहाँ भी 20-25% का एक बार इजाफा होगा कोरिएंडर के अंदर भी। अच्छा, अगर एक एक तीनों पर एक 15 फरवरी के बाद डिमांड चालू होगी तो वहां से बढ़ेंगे मैम। अच्छा, तो यानी जीरे का भाव कम रह सकता है, लेकिन फरवरी में टर्मरिक और कोरिएंडर यहां तेजी रख सकती है, डाउनसाइड ज्यादा नहीं दिख रहा है टर्मरिक और कोरिएंडर में, करेक्ट किशोर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए शुक्रिया आपका तीनों ही स्पाइसेस पर अपने कमेंट करने के लिए। अजय, एक एक करके राय ले लेते, पहले तो बताइए जीरा, आपने सुना फिलहाल की स्थिति, कोई यहाँ पे सट्टेबाजी नहीं हो रही है, भाव इतना गिर गया था, थोड़ा सा सपोर्ट आया है, लेकिन अभी भी चिंताएं हैं, थोड़ी डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन ऑलरेडी प्राइसेस बहुत रिकवर हो जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, फसल ठीक ठाक है, क्योंकि आप कैसे देखते हैं जीरे के भाव को? नमस्ते दीपाली जी, डेफिनेटली अगर हम देखें तो सितंबर में ये पता चल चुका था कि भाव इतने ऊंचे होने की वजह से स्विंग डबल होगी, तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि इस बार स्विंग काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से 1 करोड़ माना जा रहा है, बट वेदर इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुजरात राजस्थान ये बेल्ट में हम देख रहे हैं कि अभी जो बरसात वेदर कंडीशन और जैसे किशोर जी कहा कि अब एक्सपोर्ट की डिमांड पिकअप करेगी, ओके चलिए, अजय की ऑडियो क्लियर नहीं है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और तीनों ही स्पाइसेस पर वापस से उनका प्राइस आउटलुक लेंगे, लेकिन फिलहाल का प्राइस एक्शन एक बार आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। जीरा 2% ऊपर है, बाकी स्पाइसेस देखेंगे तो गिरावट है, 7000 के नीचे ट्रेड कर रहा है कोरिएंडर, 6800 के आसपास, इनफैक्ट 6890 के 72 का मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है, 1.5% कमजोरी है। टर्मरिक 13160 के लेवल्स पर है, 1.25% कमजोरी यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो ये है हाल आपके सामने स्पाइसेस का, जहां पर जीरे में थोड़ा सा एक रिबाउंड आते हुए जरूर दिखाई दिया है, लेकिन टर्मरिक और कोरिएंडर दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई मी ट्रेडर से किशोर शाह के साथ, उनका मानना यही है कि टर्मरिक की तो 35% के आसपास की फसल कम रह सकती है, इसलिए प्राइसेस सपोर्ट में रहेंगे, ज्यादा डाउनसाइड इन स्तरों से नहीं है, बल्कि मूव तेजी का ही रहेगा, क्योंकि 15 फरवरी के बाद से डिमांड यहाँ पर स्पेशली टर्मरिक और कोरिएंडर की आना शुरू हो जाएगी। जीरे में भी डिमांड सपोर्ट तो बना रहेगा, लेकिन प्राइसेस और भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि फसल ठीक ठाक है, और जैसे उन्होंने बताया कि 500 टन के ऑर्डर्स हैं और अभी 1500 टन 2000 टन की टोटल होल्डिंग है, एनसीडेक्स पर 1500 टन पोजीशन खाली है फिलहाल जीरे की, तो यहाँ पर ये कारण है जिसकी वजह से प्राइसेस हमने लगातार गिरते हुए देखे हैं, और गिरने के बाद थोड़ा सपोर्ट हमने आते हुए देखा है। अजय, आपकी ऑडियो ठीक नहीं थी, आप प्लीज बताइए जीरे पर आपकी क्या राय? जीरे के अंदर अगर हम बात करें तो अब तक है ना कैश क्रंचेस जो में है, जिसकी वजह से मार्केट स्विंग पर भी है,
तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस में मुझे लगता है जो सपोर्ट मिला है उसके दो तीन कारण है। पहला है मौसम को लेकर, जिससे गुजरात राजस्थान एमपी में बरसात और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है राजस्थान एरिया, उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइजेस को मिल रहा है। रमजान की एक्सपोर्ट डिमांड ओके चलिए, अजय की ऑडियो ठीक नहीं है, माफी चाहेंगे, वापस से रिकनेक्ट करेंगे और तब राय लेंगे कि वो क्या सजेशन यहाँ पर स्पाइसेस के पैक पर देना चाहते हैं प्राइस वाइज। लेकिन बाकी स्पाइसेस, बाकी एग्री कमोडिटीज भी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन्स पर, एक बार नजर डाल लेते हैं ग्वार पैक पर। ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों ही दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कॉटन लेकर आते हैं, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के, कॉटन सीड ऑयल के तो 1/4% नीचे ट्रेड कर रहा है 2694 के लेवल्स पर। कॉटन में भी हमने थोड़ा प्रेशर ही देखा है प्राइसेस में, कैस्टर 0.5% नीचे है। तो ये है फिलहाल एग्री कमोडिटी बास्केट का हाल, कॉटन 55,600 पर ट्रेड करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। एक बार लेकर आते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज का पैक, तो यहाँ पर सोने चांदी में तो एक हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन एक्शन कहीं दिख रहा है तो वो है एनर्जी पैक, जहां पर नेशनल गैस 6% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। जिगर त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। जिगर, पहले तो बताइए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। गुड इवनिंग दीपाली, आई थिंक आज के दिन में अगर हमें ट्रेडिंग कॉल लेना है तो क्रूड में मैं जाऊंगा। क्रूड का प्राइसेस हमने काफी दिनों से एक प्रेशर में ही देखा है, एक पुल बैक मार्केट में पॉसिबल है। एंड आज शाम को यूएसए इन्वेंटरी नंबर्स भी आएंगे। अगर प्राइसेस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट 6,040-6,050 के ऊपर जाता है तो ही 6,100 के कॉल ऑप्शन यहाँ बाय करके चलने चाहिए। हालांकि अभी का प्राइस जो है 6,100 कॉल ऑप्शन नियर मंथ 17 जनवरी का, वो अराउंड $90 के आसपास है। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 100, अगर 100 के आसपास भी वो भाव मिलता है वन कैन गो लॉन्ग, एंड 70 वुड बी स्टॉप लॉस एंड 150 वुड बी टारगेट। अगर इवनिंग सेशन के लिए एक दूसरी पैक मुझे दूसरा अगर मुझे कॉल लेना हो, आई विल गो शॉर्ट इन गोल्ड। गोल्ड में हमने इन दिनों काफ़ी सारा एक करेक्शन देख लिया है, एंड मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जिस तरीके के फंडामेंटल डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं, फेड जो मार्च में इंटरेस्ट रेट कट लाने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी एक सप्ताह पहले 70% थी, आज वो 62% है। मे बी बिकॉज ऑफ वेरी गुड NFP नंबर्स दैट वी सॉ लास्ट वीक और द हॉकिश स्टेटमेंट्स दैट हैव कम फ्रॉम द फेड ऑफिशियल्स। 10-year bond yield अगर हम देखें तो वो भी 3.8 से 4% तक रैली कर ली है, एंड जो डॉलर इंडेक्स है 100.5 के आसपास था 10 दिनों के पहले, वो 102.5 के आसपास आ गया है। चैलेंजिंग चीज यहाँ पे ये है इन्वेस्टमेंट डिमांड। SPDR गोल्ड ETF जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड बैक ETF है, उसमें होल्डिंग तकरीबन 870 टन की है, विच इज एट द लोएस्ट लेवल सिंस August 2019, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, हाँ कल के दिन में एक मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आने वाला है जहां पे मार्केट की एक फोकस रहेगा, विच इज US इन्फ्लेशन नंबर्स CPI एंड द इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वीक ऑन वीक। सो इन सारी चीज़ों के बीच में मुझे लग रहा है टेक्निकली भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है, थोड़ा सा पुल बैक पॉसिबल है, लेकिन आई एम स्टिल कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट इन गोल्ड। सो February contract gold, one can go short around 62,200, 62,300 stop loss and 62,000 is target. चलिए तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। सी डिग्री अजय केडिया और जिगर त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं और अब चलते हैं अजय केडिया के पास। अजय बताइए पहले तो स्पाइसेस के पैक पर ही क्या है आपका प्राइस व्यू? बिल्कुल दीपाली जी, अगर हम सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने देखा कि बम्पर स्विंग के चलते प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट थी, साथ में कैश कंचर्स और क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब की वजह से सभी एग्री में हमने डिस्टर्बेंस देखा, लेकिन आज की जो तेजी है वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू होल्ड करेगा। एक्सपोर्ट डिमांड रमजान की वो मेंटेन रहने की उम्मीद है और साथ में वेदर अलर्ट जो मौसम गुजरात राजस्थान MP बेल्ट में हम देख रहे हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस है उसका एक सपोर्ट मिलेगा, तो मे बी अगला हफ्ता 15 दिन हम देखें तो प्राइजेस में कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहेगा जीरे में। ओके और अगर तेजी करनी हो तो कन्विक्शन है किसी स्पाइस के साथ इन लेवल से या भी अवॉइड करेंगे? देखिए अगर रेटिंग वाइज देखें तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है धनिया, फिर हल्दी और लास्ट जीरा रहेगा। तो धनिया में हम देख रहे हैं कि पिछले साल बम्पर क्रॉप होने की वजह से इस बार सोइंग में 50% के करीब की फॉल आता हुआ दिखाई दिया है, तो आई थिंक यहाँ से प्राइजेस में मुझे लगता है कि अगर हम
बात करें तो प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए जो ऊपर में 8200 तक का भी लेवल दिखा देगा। करंट लेवल से हम अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लेके चलना चाहिए। वहीं हल्दी के अंदर हमने वॉलिटिलिटी जरूर देखी है, बट अप्रैल हल्दी मुझे लगता है कि 13,000-13,100 का बेस बढ़ा चुका है, यहाँ पे लेके चलना चाहिए। 13,650 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। जीरे में वॉलिटिलिटी है मेंटेन, बट मुझे लगता है कि जीरे में भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस में गेन रहेगा जो लगभग 28,500-28,500 तक का लेवल दिखा देगा। ओके अच्छा जिगर, ये नेशनल गैस पे आपकी राय क्या है? इस साल की शुरुआत से प्राइसेस तो बढ़े हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स तो थोड़े बेटर दिखाई देने हैं, पर चाहे वो डिमांड हो, विंटर डिमांड अच्छी रहने की एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ सकती है, ये प्रोजेक्शंस हैं, क्या राय है आपके नेशनल गैस पे इन लेवल से? जी दीपाली, हमें एक चीज यहाँ भूलनी नहीं चाहिए कि अक्टूबर में 318-319 का हाई था, वहां से वन वे हमने फॉल देखा दिसंबर तक 170 के आसपास। सो ऑब्वियसली एक टेक्निकल पुल बैक एक्सपेक्टेड था, प्लस यूरोपियन यूनियन से ये जो कोल्डर वेदर के फोकास्ट जो आया जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में एक शार्प रैली देखी। तकरीबन एक महीने पहले 173-174 के प्राइसेस थे, वहां से हमने 100 रुपये का एक उछाल देख लिया था। कल का जो हाई था वो 276 के आसपास का ही था एंड कल तो मार्केट अराउंड 14-15% प्लस भी था। आई थिंक ये सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है आगे कंटिन्यू। हालांकि ये इन दिनों जो करेक्शन, इन दिनों जो एक रैली आई है मार्केट में, उसके बाद आज एक हेल्दी करेक्शन आया है। नेचुरल गैस में आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है एंड मुझे लग रहा है 250 ये बहुत ही रिस्की कमोडिटी बन जाएगी। यहाँ पे 250 पे एक बार यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है इन दी करंट मंथ, दैट इज जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। 245 का स्टॉप लॉस लेके चले एंड 260 के टारगेट के लिए लॉन्ग करें। ओके अच्छा अजय, आपने कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या एग्री या नॉन एग्री पैक से? बिल्कुल, पूरे एग्री पैक के अंदर हमने मसाले की तो बात की, बट वहीं अगर हम गवार की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गवार के प्राइस में अब मुझे लगता है कंसोलिडेशन के साथ पॉजिटिव बनेगा। अगर हम फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 5400 के करीब लेना चाहिए, 5320 का स्टॉप लॉस रखिए, 5550 तक का लेवल मिलेगा। वहीं हम कॉटन सीड ऑयल के अंदर आज जरूर थोड़ी बहुत गिरावट देखी है, बट हमें लगता है कि क्रॉप को लेकर और डिमांड को लेकर जो अभी तक कंसर्न था वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। 2700 के करीब फरवरी वायदा कॉटन सीड ऑयल केक लेना चाहिए, 2670 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो 2770 का ही रहेगा, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है फरवरी मिड तक प्राइजेस वापस 2900 का लेवल भी दिखा सकती है। तो आई थिंक गवा कॉटन सीड ऑयल के लिए टॉपिक रहना चाहिए। ओके तो कॉटन सीड ऑयल के ग्वार यहाँ पर कन्विक्शन खरीदारी का है और यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरह। बहुत संक्षेप में जिगर, बेस मेटल से कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या? टेक्निकल पुलबैक देखने को मिल सकता है। आई थिंक कॉपर वन कैन गो लॉन्ग इन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 717 के आसपास करंट लेवल ओनली एंड 714 स्टॉप लॉस, 723 इज टारगेट। ओके चलिए तो ये रही स्ट्रेटजीज बेस मेटल से, जहां पर कॉपर में एक ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। 717 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है दबसन की बढ़त के साथ। चलिए शुक्रिया अजय और जिगर आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर ट्रेडिंग व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।